हेलो स्टूडेंट्स, हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे पढ़ने वाले हैं। आपको पता होगा लास्ट वीडियो के अंदर हमने प्रोकैरियोटिक सेल देखा था, मोनेरन सेल। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं सेल के बारे में, वो कौन सा है हमारे पास? यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। और इस यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपको पता है स्टूडेंट्स, जनरली हमारे पास क्या क्या आते हैं? प्रोटिस्ट आते हैं, फंजाई आते हैं, प्लांट्स आते हैं और एनिमल्स आते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कौन सा सेल? एनिमल सेल, ठीक है। कौन सा सेल करने वाले हैं? एनिमल सेल जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो यूकैरियोटिक आपको पता है जिसके अंदर क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है इसके अंदर। इसके अलावा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। और एनिमल सेल जो होते हैं, आपको याद होगा इसके अंदर सेल वॉल जो होती है वो क्या होती है? एब्सेंट होती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एनिमल सेल देखें, यहाँ पे तो सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं इसकी आउटर बाउंड्री। और आउटर बाउंड्री जो है इसके अंदर हमारे पास क्या कहलाएगी? ये दैट इज द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हमारे पास कहलाएगी द आउटर बाउंड्री इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं इसके, ठीक है। और हमें पता है कि एनिमल सेल जो होता है इसके सराउंडिंग में जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है वो प्रेजेंट नहीं होती यहाँ पे, ठीक है। तो ओनली क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन रहती है। अब अंदर की बात करें, सबसे पहले स्टूडेंट्स बात करते हैं हम किसकी? न्यूक्लियस की बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो यूकैरियोटिक सेल रहते हैं उनके सेंटर में या उसकी पेरिफेरी पे क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है? प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियस जो होता है इसके सराउंडिंग में आपको पता है क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गई? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई हमारे पास, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास क्या आ गया? ये न्यूक्लियस, ठीक है। ट्रू न्यूक्लियस जो होता है यहां पर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। और ये मेम्ब्रेन जो है यहां पर दिखाई दे रही है जो आपको, इस मेम्ब्रेन को हम यहां पर बोलते हैं, मेम्ब्रेन जो दिख रही है आपको इट इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर अगर हम बात करें तो इसका जो मैटेरियल है अंदर, इसे हम क्या बोलते हैं यहां पे? इट इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और इसके सेंटर में आपको क्या मिलने वाले हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलने वाले हैं इस टाइप के। तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन, ठीक है। जो बाद में क्या होंगे? ठीक होंगे, कंडेंस होंगे, क्या बनाएंगे? क्रोमोसोम्स बनाएंगे, ठीक है। ये जेनेटिक मटीरियल है। और ये क्रोमेटिन किसके बने होते हैं? डीएनए के बने होते हैं, ठीक है, डीएनए प्रोटीन्स। इसके साथ साथ यहां पर आपको क्या मिलने वाला है? इसके साथ साथ आपको एक पेरिफेरी पे आपको मिलने वाला है, दैट इज न्यूक्लियोलस, ठीक है। क्या मिलने वाला है? न्यूक्लियोलस मिलने वाला है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके साथ बात करते हैं, ये तो हमारे पास क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। बाहर हमारे पास क्या हो गया? सेल मेम्ब्रेन हो गई। अब इसके बिटवीन में जो स्पेस प्रेजेंट है, इस स्पेस को हम बोलते हैं यहां पे, स्पेस में जो हमारे पास क्या है? जिलेटिनस मटेरियल जो प्रेजेंट है, ये फ्लूइडिक मटेरियल जो प्रेजेंट है इसके सराउंडिंग में, इसे हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज साइटोप्लाज्म, ठीक है। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं? वेरियस मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं किससे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो स्टूडेंट्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हो जाता है, इसकी बात करें तो इसके अंदर क्या होते हैं? वेसिकल लाइक क्या होते हैं इसके अंदर? स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है।
है। तो हमारे पास क्या है इसके अंदर, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है आपको, इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अगर यहां की बात करें हम, तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाते हैं ये। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, समटाइम्स क्या होता है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच मिलते हैं, और सराउंडिंग बाहर जो सेल मेम्ब्रेन है उससे क्या मिलेंगे आपको, टेस्ट मिलेंगे। और कुछ फॉर्म्स कैसे मिलेंगे आपको, साइटोप्लाज्मिक अटैचमेंट जो कि देखने को नहीं मिलेगी। अब इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स को अगर हम देखें तो दो टाइप्स के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स। तो अगर यहां पे हम देखें तो इनके पास क्या होते हैं, बीड्स लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं प्रेजेंट देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है। और ये बीड्स लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, इन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको ग्रीन कलर के, इन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, राइबोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर है जिसके साथ ये राइबोसोम अटैच्ड हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, मतलब देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं स्टूडेंट्स क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स। तो अगर राइबोसोम्स की प्रेजेंस है तो क्या कहलाएंगे, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएंगे। और जिस पे राइबोसोम्स की प्रेजेंस यहां पर नहीं दिखाई दे रही आपको, इसे आप क्या बोलोगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज SER। ठीक है, SER दैट मीन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों बोलते हैं, बिकॉज इनके पास क्या होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। और अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्या है, सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट है, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। ठीक है, इसके बाद हम बात करें इसके अंदर नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है, आपको न्यूक्लियस के पास ही आपको नेक्स्ट स्ट्रक्चर दिखाई देगा इस टाइप का, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड गॉल्जी एपरेटस। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, गॉल्जी एपरेटस बोलते हैं। फिर न्यूक्लियस के पास ही आपको क्या मिलेंगे, आपको सेंट्रियोल्स मिलेंगे, इस टाइप के दो सेंट्रियोल्स मिलेंगे। और इन सेंट्रियोल्स के सराउंडिंग में 9 आपको पैरा सेंट्रियोलर फाइबर्स मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम यहां पर क्या बोलते हैं, सेंट्रोजोम। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, सेंट्रोजोम। तो ये बीच में जो डॉट दिख रहे हैं आपको ब्लैक कलर के, जो ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, इनको क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल्स बोलते हैं। और ये सराउंडिंग में क्या है, 9 पेरिफ्री सेंट्रियुलर रीजन होते हैं, जिसको हम करेक्टिवली क्या बोलते हैं, सेंट्रोजोम्स बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको यहां पर यूकैरियोटिक जो सेल है, एनिमल सेल है, इसके अंदर आपको क्या दिखाई देंगे, आपको वैक्यूल्स दिखाई देंगे आपको। ठीक है, क्या मिलेंगे आपको यहाँ पे, वैक्यूल देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको स्फेरिकल बॉडीज देखने को मिलेंगी, ठीक है, जिनके अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स फिल्ड होते हैं। ये जो स्फेरिकल बॉडीज आपको दिखाई दे रही हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, लाइसोजोम्स। ठीक है, क्या बोलेंगे इनको, लाइसोजोम्स। इसके साथ साथ आपको देखने को मिलते हैं इसके अंदर क्या, पावर हाउस ऑफ द सेल, दैट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियन, माइटोकॉन्ड्रियन। ठीक है, समझा गया। तो स्टूडेंट्स एक बार वापस अगर मैं थोड़ा सा दिखाऊं, ब्रीफ बात करें इसकी, सबसे पहले बात करें हम एनिमल सेल की। एनिमल सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल होते हैं। यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है, प्लस मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो अगर यहां पे हम बात करें एनिमल सेल की, तो सबसे पहले बात करते हैं आउटर बाउंड्री की, दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसके अंदर जो फ्लूइडिक पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जो जेली लाइक मटेरियल होता है, जेलेटिनस मटेरियल बना होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं।
फिर इसके अंदर सेंटर में हमारे पास क्या मिलेगा आपको, जेनेटिक मटेरियल मिलेगा। इसके सराउंडिंग में आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो वो देखने को मिलेगी, जिस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ये जो सराउंडिंग में जो मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है आपको न्यूक्लियस की, उसे क्या बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इनके बीच में आपको पोर्स दिखाई देंगे, इन पोर्स को हम क्या बोलेंगे न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। आपको सेंटर में इसके क्या मिलेगा फ्लूइडिक पार्ट जो है उसको क्या कहलाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाएगा। इसके अंदर क्या होंगे थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा आपको, जिसे हम क्या बोलेंगे क्रोमेटिन बोलेंगे, ठीक है। और एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर मिलेगा जिसे हम क्या बोलेंगे न्यूक्लियस बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें किसकी साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गन्स की बात करें, तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, जिसके अंदर आपको कुछ फॉर्म्स क्या मिलेंगे अटैच मिलेंगी किसके साथ न्यूक्लियस के साथ मेम्ब्रेन के साथ, और कुछ क्या मिलेंगी अनअटैच मिलेंगे। फिर ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है अगर इनके सरफेस पर ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं राइबोसोम्स बोलते हैं, अगर ये प्रेजेंट है तो इन्हें क्या बोलेंगे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर ये एब्सेंट है तो क्या बोलेंगे इन्हें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके साथ आपको क्या मिलेंगे न्यूक्लियस साइड में आपको मिलेंगे क्या मिलेंगे गोल्जी एपरेटस मिलेंगे, जिन्हें हम गोल्जी बॉडीज भी बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें सेंट्रोसोम मिलेगा, सेंट्रोसोम के अंदर आपको टू रोड लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे, इसे हम क्या बोलते हैं सेंट्रियोल्स और पैरासेंट्रियोल रिंग्स मिलेंगे आपको, ठीक है, जिसे हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं सेंट्रोसोम बोलते हैं। इसके अलावा आपको स्फेरिकल बॉडीज मिलेंगी जिसे हम क्या बोलते हैं वैक्यूल बोलते हैं, ठीक है। दूसरा स्फेरिकल बॉडी की बात करें जिसके अंदर क्या होता है एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, केमिकल कंटेंट प्रेजेंट रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं लाइसोसोम बोलते हैं। इसको हर किसी को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे जब हम वन बाय वन क्या करेंगे सबके बारे में डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। उसके अलावा क्या मिलेंगे आपको पावर हाउस मिलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियम बोलते हैं, जो एनर्जी प्रोवाइड करने का करता है काम करता है, ठीक है। और ये जो फ्लूइडिक कंटेंट है इसे हम क्या बोलते हैं साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। जो मेन कंटेंट है जनरली इसकी हम बात करें वो हमने इसके अंदर देख लिया किस टाइप से देखने को मिलते हैं आपको इसके अंदर। तो ये क्या है एक टिपिकल एनिमल सेल है जिसे हम क्या बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। प्लांट सेल जो है स्टूडेंट्स हम उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।